राजनपुर के इलाके कच्चा बंगला अच्छा में पुलिस मुकाबले में इश्तियारी डाकू शायद लुंड मारा गया। सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इमरान अब्बासी। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। ज़िला पुलिस ऑफिसर के मुताबिक हलाक इश्तियारी डाकू की गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपये का इनाम था और हलाक डाकू पुलिस अहलकारों के कत्ल, अगवा और डकैती के मुकदमात में मतलूब था। उन्होंने कहा कि हलाक डाकू शायद लुंड सोशल मीडिया पर पुलिस को धमकियां देता था। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस की जानिब से भी डाकू शायद लुंड की हलाकत पर बयान जारी किया गया है। पुलिस ने शायद लुंड का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सोशल मीडिया पर जारी किया और शायद लुंड की हलाकत को कच्चे में डाकुओं के खिलाफ अहम तरीन कामयाबी करार दिया और कहा कि रहीम यार खान और राजनपुर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में लुंड गैंग का सरगना डाकू शायद लुंड हलाक हुआ। पुलिस ने बताया कि हलाक डाकू पुलिस अलकारों की शहादत, दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान, पुलिस पर हमलों, कत्ल, डकैती जैसे 28 से ज़ायद संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब बैन अज़ला इश्तियारी था। आईजी पंजाब ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ अहम तरीन कामयाबी पर रहीम यार खान और राजनपुर पुलिस को शाबाश दी और कहा कि कच्चे के इलाके से दहशतगर्दों, डाकुओं और शरपसंद अनासिर का खात्मा पुलिस का मिशन है। ख्याल रहे कि अगस्त में डाकू शायद लुंड की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उनकी महकमा दाखिला के नंबर पर मुबैना कॉल करते हुए वीडियो बनाई गई थी। शायद लुंड ने गुफ्तगू में कहा था कि मैं शायद लुंड बात कर रहा हूँ, लिस्ट में मेरा नाम सबसे पहले है, असल जो मुलजम है उनके नाम नहीं है। इनाम के ऐलान वाली फहरिस्त दुरुस्त नहीं, इसे दोबारा बनाएं।